हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर जिले में दूसरे चरण का टीकाकरण हुआ शुरू। कुल 24 बूथों पर आयोजित टीकाकरण में 22 पर बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका। दो बूथ पर फ्रंटलाइन वर्करों में एडीजी, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी सहित सभी उच्च अधिकारियों ने कराया टीकाकरण। किसी को नहीं हुई कोई परेशानी। गगहा ईंट भट्टे पर डकैती व छेड़खानी के 25,000 रुपए के फरार आरोपित मऊ के दक्षिण टोड़ा निवासी छोटक को गगहा पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। दो साथी भागने में हुए फरार। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा व दो कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। दूसरे चरण के टीकाकरण में कुल 24 बूथों पर 780 पुरुष और 672 महिलाओं सहित 1452 लोगों का किया गया टीकाकरण, जिसमें 144 फ्रंट लाइन वर्कर थे शामिल। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वैक्सीनेशन का नहीं है कोई भी दुष्प्रभाव, पूरी तरह से है सुरक्षित। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सीआरसी में दिव्यांगजनों हेतु एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सड़क सुरक्षा के प्रति दी गई जानकारी। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में लगाए जाने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों के तहत कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारियों का हुआ टीकाकरण। लगाया गया कोवैक्सीन, नहीं महसूस हुई किसी को कोई दिक्कत। न्यू कंट्रासेप्टिव विषय 2 दिवसीय प्रशिक्षण का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद गोरखपुर के तहत सेवा प्रदाताओं के लिए किया गया आयोजन। कम्युनिटी हेल्थ वर्करों को दिया गया प्रशिक्षण। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर संयोजक और नगर निगम के नव नियुक्त उपसभापति का हिंदू युवा वाहिनी ने किया स्वागत। उपसभापति ने कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,424। अब तक 360 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 83 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 2 दिनों तक हो सकती है हल्की बारिश। जिला आपदा विशेषज्ञ ने लोगों से की अपील। कहा, बारिश के समय वाहन चलाते समय हेलमेट का करें प्रयोग, वज्रपात की भी है संभावना। और कोरोना के बचाव और जागरूकता के लिए बाइक यात्रा पर निकले अभिजीत सोम ने डीआईजी एसएसपी से किया मुलाकात। कहा, अफवाहों पर ना दें ध्यान, कोरोना वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित।